नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो गुजरे जमाने के बेहद ही प्रतिभाशाली गायक जसपाल सिंह जी के ऊपर। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो। इन्होंने अपनी मधुर आवाज से उस दौर में लोगों के दिलों में जगह बनाई जब फिल्म जगत में रफी साहब, किशोरदा और मुकेश जी जैसे गायकों का सिक्का चल रहा था। लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं रहा। कैसे एक पंजाबी लड़का अमृतसर को छोड़कर फिल्म नगरी में पहुंचता है और सभी के दिलों में बस जाता है। इस वीडियो में हम इसी किस्से को आपसे साझा करेंगे। वीडियो पर लाइक और कमेंट के साथ साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जोगी जी को ही ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो। जसपाल सिंह का जन्म हुआ सन 1950 अमृतसर में। जसपाल जी बचपन से ही गायकी में अपनी रुचि रखते थे। रफी साहब के गानों का इन पर काफी गहरा असर हुआ। ये स्कूल और कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम्स में रफी साहब के ही गाने गाया करते थे। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने मन बना लिया कि मैं फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करूँगा। बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। इनका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था। इनके पिताजी चाहते थे कि जसपाल भी अपने बड़े भाई की तरह वकील बने, लेकिन इनका मन तो गायकी में ही लग रहा था और ये मुंबई जाने के सपने देख रहे थे। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद जसपाल सिंह मुंबई पहुंच गए, जहां इनकी बड़ी बहन रहा करती थी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय। यूं तो ये घूमने का बहाना करके मुंबई गए थे, लेकिन इनकी बड़ी बहन इनके अंदर की भावनाओं को बखूबी समझ रही थी। इनकी बहन ने ही अपने पति से कहा कि जसपाल सिंगर बनना चाहता है और आप इसकी मदद करें। और तब जसपाल सिंह के बहनोई जसवीर सिंह खुराना ने इन्हें संगीतकार उषा खन्ना जी से मिलवाया। उषा खन्ना इनकी आवाज से काफी प्रभावित हुई और इस तरह से जसपाल साहब को पहली बार मौका मिला सन 1968 की आई फिल्म बंदिश में। देखो लोगो ये कैसा जमाना, संभालो संभालो हुआ मैं दीवाना, संग बदन पे संग लिबादा, संग बदन पे संग लिबादा, जाने हसीनों का क्या है इरादा। उनका ये गाना चला नहीं और जसपाल सिंह को वापस अमृतसर आना पड़ा। यहाँ आकर इन्होंने अपना दाखिला ग्रेजुएशन में करवा लिया, लेकिन इनका मन अब भी माया नगरी मुंबई में ही अटका हुआ था। बीच बीच में जब इनको मौका मिलता तो ये मुंबई चले जाते। इसी बीच उषा खन्ना ने इन्हें दोबारा मौका दिया फिल्म अनजान है कोई में, जिसमें इन्होंने महेंद्र कपूर साहब के साथ डुएट गाया। गाने के बोल थे, बेटा खेल मत मटका, बेटा खेल मत मटका, बेटा खेल मत मटका, मटके में जो दिल अटका तो पड़ जाएगा फटका, बेटा खेल मत मटका, ओ बेटा खेल मत मटका। ये गाना थोड़ा बहुत चला, लेकिन इनके संघर्ष का दौर अब भी गया नहीं था। अभी इनके पिताजी की चिट्ठी आई और उन्होंने जसपाल जी को वापस अमृतसर आकर होटल का बिजनेस संभालने के लिए
कहा। पिताजी की बातें टाल नहीं सके और वापस आकर अपना होटल का बिजनेस संभालने लगे। इसी बीच इनके बड़े भाई ने इनका दाखिला LLB में गाजियाबाद के एक कॉलेज में करवा दिया। होते करते वो समय भी आ गया जब इन्होंने अपनी LLB कंप्लीट कर ली। फिर भी इनका मन गायकी में ही लगा रहा। इनका मुंबई आना जाना बंद नहीं हुआ था। आखिर थक हार कर इनके पिताजी ने इन्हें कह ही दिया, जा बेटा तू गायक ही बन। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। इनके पिताजी ने मुंबई में इन्हें एक फ्लैट भी खरीद कर दे दिया। पिताजी का मन रखने के लिए इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। मुंबई में ही एक दिन इनकी मुलाकात हुई रविंद्र जैन से। रविंद्र जैन ने इन्हें मौका दिया फिल्म गीत गाता चल में। गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे। जसपाल सिंह के इस फिल्म में गाए गाने सुपर डुपर हिट हुए। इस फिल्म के माध्यम से जसपाल सिंह की आवाज घर घर गूंजी। हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, इसके बाद श्याम तेरे कितने नाम, सावन को आने दो आदि फिल्मों के बेहतरीन गीत सामने आए। जो बड़े इनको लगु कहे, नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरली धर करे, कछु दुख मानत नाए, रहीमा कछु दुख मानत नाए। इन सब में एक बात कॉमन थी कि इन्होंने अपनी आवाज सबसे ज्यादा जिसके लिए दी थी वो थे अभिनेता सचिन। जसपाल सिंह की गायकी के सफर ने रफ्तार पकड़ी तो कई खूबसूरत नगमे उनके हम सफर बनते गए। अभिनेता सचिन से जसपाल सिंह की आवाज मेल खाती थी, इसलिए उन्हें उन्हीं की फिल्मों में गाने के मौके मिले। फिल्म नदिया के पार में उनके द्वारा गाए हुए सभी गीत सुपर डुपर हिट हुए। साची कहे तो दे आवन से हम रे, साची कहे तो दे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। अपनी कामयाबी में मगन हुए जसपाल को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उन पर केवल सचिन के लिए ही बेहतरीन गीत गाने वाले का ठप्पा लग चुका है। दूसरे युवा अभिनेताओं के लिए गीत गाने के प्रस्ताव उनके पास आने बंद हो गए थे। तब तक किशोर कुमार के बेटे अमित, मुकेश के बेटे नील नितिन मुकेश के साथ साथ दक्षिण के SP बाला सुब्रमण्यम और यशुदास मैदान में उतर चुके थे। मोहम्मद रफी की कॉपी करने वाले अनवर, सब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज को भी मौके मिलने लगे थे। उधर सीधे और सरल जसपाल कोई गॉडफादर भी नहीं बना पाए। फिल्मी दुनिया के अपने उसूल और कानून हैं। इसका एहसास जसपाल सिंह को नहीं था। सुपरहिट गीत देने वाले जसपाल सिंह के साथ किस्मत ने भी खासा मजाक किया। नदिया के पार की बेतहाशा सफलता के बाद होना तो ये चाहिए था कि जसपाल के पास गीत गाने के प्रस्तावों की लाइन लग जाती, मगर जिन फिल्मों में इन्हें गाने का मौका मिला उनमें से ज्यादातर रिलीज ही नहीं हुई। इसके अलावा बेहतरीन गीत गाने के बावजूद जसपाल को उस समय के किसी बड़े बैनर की फिल्म भी नहीं मिल पाई। उन्होंने ज्यादातर बी ग्रेड कही जाने वाली फिल्मों के लिए ही गाया। सबसे ज्यादा मौका इन्हें राजश्री प्रोडक्शन की बैनर के तले मिला हुआ था। 80 के दशक में फिल्मी संगीत के पतन का दौर शुरू हुआ। फिल्मों में बढ़ती हिंसा ने संगीत के लिए मौके बहुत कम कर दिए। ऐसे में जसपाल सिंह के लिए काम ढूंढना बेहद कठिन हो गया और कौन सोच सकता था कि इतनी शानदार आवाज के मालिक को धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे निगल लेंगे। फिर भी जसपाल सिंह को किसी से शिकवा नहीं है। स्टेज शो में अक्सर उन्हें उनके चाहने वाले सुन लेते हैं। नए जमाने के लोग भले ही जसपाल सिंह को ना जानते हों, लेकिन उस दौर में जिन्होंने जसपाल सिंह की गायकी को सुना है वो उनकी गायकी के आज भी कायल हैं। अगर आप अरिजीत सिंह जैसे गायकों के दौर से हैं तब भी आपको जसपाल सिंह के गानों को सुनना चाहिए, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। जसपाल जी फिलहाल इस समय मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें, इस कहानी को और लोगों तक भी पहुंचाएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।